आज मसीह वंदना में। हेलो हेलो मसीह वंदना। आज है शनिवार और आपकी सेवा में प्रस्तुत है द गुड न्यूज ब्रॉडकास्टिंग सोसाइटी का साप्ताहिक प्रोग्राम हेलो मसीह वंदना। और आप सब बहन भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आज के हेलो मसीह वंदना में आपका स्वागत है। बहन भाइयों, मौसम काफी बदल रहा है, गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। अपने ख्याल रखें क्योंकि बचाव में ही बचाव है और मसीह वंदना की टीम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हेलो हेलो मसीह वंदना। हमारे जीवन में समय का बहुत बड़ा मूल्य है, इसलिए हमें समय रहते समय की कदर करनी चाहिए। समझदार व्यक्ति वही है जो समय रहते स्वयं को संभाल ले। आज का हमारा सफर भी कुछ समय को लेकर ही है। इसकी गंभीरता को हम समझेंगे एक नाटक के द्वारा जिसका शीर्षक है टाइम नहीं है। नाटक तो हम सुन ही लेंगे, क्यों ना पहले हम ये गीत सुन लें। तेरा प्यार ही मुझको मसीह पहुंचाता है कहां कहां।
ये आवाज थी बहन प्रभा तिमोथी की। टाइम नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो हमारे आज के नाटक का शीर्षक है। लीजिए सुनिए। गुड मॉर्निंग बोस भाई। मैंने कहा गुड मॉर्निंग बोस भाई। कौन? अरे आलोकदा, नमस्कार नमस्कार, माफ करना आलोकदा जरा बस। अरे भाई, ऐसी कौन सी धुन बजा रहे थे जिसमें इतने खोए हुए थे? वो क्या है कि दादा, कल मैंने और शैलजा ने कम सितंबर देखी। कम सितंबर? ये क्या है भाई, अपनी समझ में तो कुछ नहीं है। अरे दादा, ये अंग्रेजी की फिल्म है, बड़ा मजा आया, उसमें यही धुन थी। अच्छा 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 भाई, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। ये कई दिनों से सुबह सुबह दौड़ कैसी? तुम्हारे बारे में तो मशहूर था कि तुमने जन्म से लेकर अब तक सूरज उगते नहीं देखा। ये तो आप ठीक कह रहे हैं आलोकदा। तो फिर ये भोर और ये आपकी दौड़, ये उल्टी बातें कैसे? ये सब शैलजा की मेहरबानी। शैलजा? कौन शैलजा? अरे बस है एक अपनी गर्लफ्रेंड। ओ तो फिर? अरे दादा, जैसे बिल्ली के पेट में खीर नहीं टिकती, वैसे ही औरत के पेट में बात। मतलब? मतलब ये कि किसी ने उससे कह दिया कि मैं मोटा दिखता हूँ, फिर बस पड़ गई मेरे पीछे कि रोज सुबह दौड़ा करो, रोज कसरत क्या करो, रोज नहाया करो, बस तभी से पड़ा हूँ इस चक्कर में। इतने आज्ञाकारी हो तुम, काश इतनी आज्ञा तुम परमेश्वर की मानते। परमेश्वर की? अच्छा मैं चलूं, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा भाई, मत मानो परमेश्वर की आज्ञा, तुम्हारी शैलजा जो तुमसे कहती है वही करो, लेकिन इस तरह भागो मत। नहीं, मैं भाग कहाँ रहा हूँ, मैंने शैलजा को 8:30 बजे ब्रेकफास्ट पर बुलाया है, बस इसीलिए थोड़ा जल्दी में था। बॉस भाई, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम शैलजा को बहुत प्यार करते हो। प्यार व्यार क्या दादा, बस यूं ही समझ लो। तो इसके मतलब तुम उससे शादी वादी करो क्या? तेरे की दादा, आप भी कैसी बातें करते हो, अभी तो हमारी मौज मस्ती के दिन है, आपका मतलब है कि अभी से मैं शादी करके गृहस्थी के कटघरे में कैद हो जाऊं? ना ना ना, ये अपने से नहीं होगा। नहीं भाई, मैं सोचता हूँ ये तुम्हारा भ्रम है, जिसको तुम मौज मस्ती समझते हो वो एक करप्शन है, एक गिरावट है। देखो तुम अब 40-42 की उम्र पार कर रहे हो, अब शादी करके एक धार्मिक जीवन बिताओ, क्या बुरा है इसमें? फिर कमी किस चीज की है तुम्हारे पास? अपना कारोबार है, पिता की बेशुमार छोड़ी हुई दौलत है, और रहा शरीर का मोटा होना और पतला होना, मैं सोचता हूँ उसका ख्याल अच्छे खानदान की लड़कियां नहीं करती, वो तो अच्छा स्वभाव का पति मात। आलोक दादा, वो तो ठीक है, लेकिन हर काम का समय होता है, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा मैं चलता। अच्छा चले जाना, इतनी अच्छी सुबह है, आओ थोड़ी देर चलकर प्रार्थना कर ले। दादा आज सुबह सुबह आप मेरे ऊपर ये मेहरबानी कैसे कर रहे हैं, क्या रात को आपने कोई सपना तो नहीं देख लिया? सपना तो नहीं देखा, हाँ कई दिन से एक अज्ञात शक्ति लगातार मुझसे कह रही है कि मैं आपको प्रभु का सुसमाचार सुनाऊं। सुसमाचार यानी गुड न्यूज, व्हाट इज दिस? सुसमाचार ये है कि एक बहुत ही सुखद, बहुत ही सुंदर और एक सनातन जीवन आपका इंतजार कर रहा है। कहाँ? स्वर्ग में। कौन ले जाएगा वहाँ? प्रभु यीशु। तो अभी तक आप इस कॉलोनी में ये बाइबल लेकर क्या कर रहे हैं? तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे जैसे लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया, ताकि तुम इस झूठी जिंदगी और विनाश से बच सको। अगर तुम, खासकर तुम अपने इस जीवन से तौबा कर उसके शरण में चले आओ तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, तुम इस जीवन के बाद मिलने वाले सनातन जीवन आनंद से जी सकते हो। यही बताने घूम रहा हूँ इस कॉलोनी में मैं। अगर ऐसी बात है तो दादा मैं भी एक दिन प्रभु यीशु की शरण में जाकर देखूं। एक दिन क्यों, आज ही क्यों नहीं, बल्कि इसी वक्त क्यों नहीं? अभी टाइम नहीं है, मुझे जरा जल्दी जाना। कोई बात नहीं, अगर अभी टाइम नहीं है तो मैं लंच में आपके पास आ जाऊंगा, कुछ देर मसीह जीवन के बारे में ही बात हो जाएगी, फिर थोड़ी देर प्रार्थना में समय बिताएंगे। अगर आपको मेरे ऑफिस आने में कष्ट ना हो तो ये भी ठीक है। कष्ट कैसा? अरे अगर किसी की आत्मा मेरे थोड़े से कष्ट से बच सकती है तो तुम्हारे दफ्तर तो क्या, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। Well, अच्छा मैं चलूं, मेरे पास टाइम नहीं है। देख रहा है प्रभु, तेरे बंदों के पास तेरे लिए समय नहीं है। हाय शैलजा। हाय बोस, तुम भी अजीब हो,
मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठे हुए हो। मालूम है लंच हुए 15 मिनट हो गए। सॉरी शैलजा। अरे भाई आज सुबह सुबह जब मैं दौड़ रहा था ना, वो आलोक दा मिल गया। कौन आलोक दा? कौन है ये? अरे वही मसीह का विश्वासी, अपना पड़ोसी है, वैसे अच्छा आदमी है। आई डोंट नो। फिर? बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ओह, यानी उसका इंतजार मेरे इंतजार से भी ज्यादा हो गया। नहीं शैलजा, ऐसी बात नहीं है भाई। आज सुबह सुबह अजीब चक्कर में पड़ गया मैं। वो क्या है कि बस जब मैं सुबह सुबह दौड़ रहा था ना, तो देखा आलोक दा मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। जब कारण पूछा तो वो बोले, एक अज्ञात शक्ति ने कहा है कि वो मेरे साथ प्रार्थना करें और मैं प्रभु यीशु को अपनाऊं। क्यों? अब मुझे स्वर्ग मिलेगा। छी, आई हेट ऑल दिस नॉनसेंस। अरे भाई वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर मैंने प्रभु यीशु को नहीं अपनाया तो मुझे स्वर्गीय जीवन नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार प्रभु यीशु पर विश्वास करके देख ही लूं, हो सकता है शायद उसकी बातों में सच्चाई हो। तो आपने कह दिया होगा मैं तैयार हूँ? ये तो नहीं कहा। हाँ ये जरूर कहा कि मैं ये भी करके देखूंगा। बस इतना क्या कहना था कि उन्होंने वहीं पर पकड़ लिया मुझे। कहने लगे, देर मत करो, अभी प्रार्थना करो, अभी। तो कर लेते ना प्रार्थना, अभी तुम स्वर्ग में बैठे होते। देखो शैलजा, तंग मत करो, मैंने उन्हें लंच का टाइम दिया है। अगर वो भाई आइए, आलोक दा आइए आइए, मीट माय गर्लफ्रेंड शैलजा। नमस्ते बहन। नमस्ते। बैठिए आलोक दा, बैठिए। धन्यवाद भाई, अच्छा हुआ आपके साथ बहन शैलजा भी हैं। इनकी भी आत्मा बस। सॉरी आलोक दा, मेरी आत्मा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त है। कमजोर तो बोस जी की आत्मा है, क्योंकि बेचारी इनके मोटे शरीर से दबकर घुट गई। शैलजा कैसे बोल रही हो तुम? जैसे लड़कियां बोलती हैं। शैलजा बहन, जवानी के नशे में जीवन के ज्ञान को भुलाना ही देना चाहिए। क्या तुमको नहीं मालूम आदमी मरता भी है? मेरे दूध के दांत पक चुके हैं मिस्टर आलोक। तब तो तुम्हें स्वर्ग और नरक के बारे में मालूम ही होगा। आपसे बहुत ज्यादा। तो क्या तुम्हें नहीं चाहिए स्वर्ग? तो आपका मतलब है आपके ख्याली स्वर्ग के लिए मैं क्लब की रंगीनियां, स्कॉच का गुलाबी नशा, बॉयफ्रेंड्स को छोड़ दूं और थाम लूं बाइबल और जकड़ दूं अपनी जिंदगी को इसमें? आप जाइए स्वर्ग और ले जाइए अपने बोस साहब को स्वर्ग। मैं चली। अरे शैलजा 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 सुनो तो। ओहो सुनो भाई, चली गई। ओह, उसे जाने दो, वो रुकेगी नहीं, क्योंकि वो शैतान के वश में है। अभी उसे प्रभु की बातें जहर लगेंगी, उसको तो नाश होना ही है, लेकिन तुम नाश ना होना भाई। चलो थोड़ी देर प्रभु की संगति में समय गुजारें। लेकिन हम तो दो ही हैं, शैलजा भी होती तो अच्छा होता। भाई प्रभु की संगति के लिए दो ही काफी हैं, क्योंकि उसने कहा है जहां मेरे नाम से दो या तीन एकत्र होते हैं मैं वहां जरूर होता हूं। लेकिन आलोकता, मैं समझता हूं ये टाइम प्रॉपर नहीं है। शैलजा भी चली गई और मेरा मूड भी ठीक नहीं है। अब देखिए ना, थोड़ी देर में लंच का टाइम भी खत्म हो जाएगा, अब तो शाम को ही ठीक रहेगा। शाम को? हाँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, शाम को ही ठीक रहेगा। आलोक दा जब उसी शाम को बोस भाई के घर पहुंचे तो बोस भाई घर से नदारद थे। फिर दोबारा जब वो रात को गए, तब तक बोस भाई गहरी नींद के आगोश में सोए एक अजीब सा सपना देख रहे थे। ये मैं कहां आ गया? इतनी दूर, कैसी अनोखी जगह है ये। ना तो धरती जैसी है, ना किसी ग्रह जैसी। यहां ना कोई अपना है, ना कोई पराया। ओ, वो दूर क्या है, कितना सतरंगी प्रकाश फैला हुआ है चारों तरफ, कैसा मधुर संगीत सुनाई पड़ रहा है वहां से। आह, उसकी ओर देखकर तो लग रहा है कि जैसे जीवन की एक अजीब सी आशा मिलेगी वहां। कैसा अनोखा होगा वो स्थान, मुझे चलना चाहिए, मुझे उसी ओर चलना चाहिए, वहीं जाना चाहिए मुझे। रुक जाए कलुषित आत्मा, कहां बढ़ रही है उस तरफ, उस ओर भी देख, यहां का एक पहलू और भी है। एक पहलू और भी है, कहां है वो? वो देख उस तरफ। ये क्या है, कैसा भयानक, कैसा विभत्स दृश्य है ये। सांप की जीभ की तरह ये अग्नि की विकराल ज्वालाएं किस तरह ऊपर की तरफ लपलपा रही है। अरे गंधक के धुएं ने किस
बुरी तरह से घेर रखा है इस स्थान को चारों ओर से। अरे कैसी भयानक, कैसी विभत्स और कैसी डरावनी जगह है ये। यही है नर्क जहाँ तुझे जाना है। मुझे जाना है। हाँ। क्यों? क्योंकि तूने शरीर और प्राण में रहकर धरती पर अनेक पाप किए। पाप किए? काश एक बार भी तू अपने पापों से पश्चाताप करने प्रभु यीशु की शरण में आ जाता तो सच तू भी वहीं जाने का अधिकारी होता जहां से ये सतरंगी प्रकाश फूट रहा है। और यही वो स्थान है जिसे प्रभु यीशु ने क्षमा और मुक्ति प्राप्त मानव आत्मा के लिए तैयार किया है। तैयार किया है, लेकिन कैसे? मनुष्य के अपराधों को अपने ऊपर लेकर अपने प्राणों का बलिदान जो दिया है। प्रभु यीशु तो मर चुका है। अरे कलुषित आत्मा, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन फिर जी उठा है? ताकि वो फिर मानव आत्माओं को इस नरक से बचा सके। तो मैंने तो कभी उस पर विश्वास ही नहीं किया। क्यों, क्या तुझे किसी ने बताया नहीं? बताया तो था, आलोकदा ने बताया तो था, लेकिन लेकिन क्या है कि वो क्या तू कभी प्रभु यीशु के पास गया नहीं? नहीं नहीं, कभी नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो समझ ले कि तेरे लिए नर्क निश्चित है, यही तुझे हमेशा हमेशा के लिए जलना और रोना होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मैं यहाँ नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मुझे बचाओ, मैं प्रभु यीशु से क्षमा मांगना चाहता हूँ। काश ये क्षमा तू उस वक्त मांगता जब तू धरती पर था। तो अब क्या हुआ, मैं अब भी प्रभु यीशु से माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन अब टाइम नहीं है। मूर्ख है तू, तुझे मालूम नहीं ये दूसरा लोक है? यहाँ तू महान्याय के लिए लाया गया है। अब तो तुझे सीधे महान्याय के सिंहासन के सामने ही अपनी सजा सुननी पड़ेगी। बस जो कुछ होना था वो तो प्राण रहते ही संभव था। अब तो नरक ही तेरी नियति है। तेरी ही नहीं, तेरे जैसे हर उस व्यक्ति की जिसने जीते जी प्रभु यीशु के सामने जाकर पश्चाताप नहीं किया, उसको पहचाना नहीं, उसको अपनाया नहीं। जाओ, चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। आलोकता मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आलोकता मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। साहब, कौन? क्या हुआ साहब? कौन है तू? मैं हूँ साहब, मैं रणबहादुर। रणबहादुर? हाँ साहब, आपका गोरखा। ओ, गोरखा तुम? हाँ साहब, मैं। क्या बात है साहब, कोई सपना तो नहीं देखा? हाँ गोरखा, सपना ही देख रहा था मैं, लेकिन जो कुछ मैंने देखा सब कुछ सच था। क्या कह रहे हैं? सब कुछ सच था गोरखा। मैं आज तक भटका हुआ था, प्रभु यीशु से दूर था मैं, सच्चाई से दूर था। आज मुझे मालूम हुआ के अनंत जीवन क्या है। अच्छा गोरखा, यह बताओ टाइम क्या हुआ है? टाइम तो साहब अब सुबह हो गई। अच्छा? हाँ सुबह हो गई है ना। हाँ साहब सुबह हो गई। अच्छा ठीक है। अच्छा गोरखा मैं चलता हूँ अब। कहाँ जा रहे हैं साहब? अब मुझे आलोकदा के पास जाना है। लेकिन क्यों, ये बैठती आपकी? नहीं, मेरे पास अब टाइम नहीं है गोरखा, मुझे अभी आलोकदा के पास जाना है, मुझे अभी पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु के पास जाना है, प्रभु यीशु के पास जाना है। लेकिन साहब अब मुझे कोई नहीं रोक सकता गोरखा, मेरे पास दुनिया की बातों के लिए अब टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है गोरखा, मुझे अभी जाना है, प्रभु यीशु के पास जाना है, पश्चाताप करने के लिए मुझे अभी जाना है। आशा है ये नाटक समय को लेकर आपकी सोच को बदलेगा। और हाँ, जब तक इंसान जीवित है उसे जीवन के पड़ाव का अर्थात अलग अलग समय का सामना करना पड़ता है। बाइबल में सुलेमान राजा ने जीवन के समयों का वर्णन किया है कुछ इस तरह से, हर एक बात का एक अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय, मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय,
छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। बहनों भाइयों, ऐसा लगता है कि सुलेमान राजा ने एक समय की तुलना दूसरे समय के साथ की है, और हमें समय की नब्ज को पहचान कर अपने जीवन में सही निर्णय सही समय पर करना चाहिए। पौलुस प्रेरित इस बात को लेकर काफी गंभीर थे जब उन्होंने इफिसियों की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में कुछ यूं कहा, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ये थे पौलुस के वचन इफिसियों की पत्री अध्याय 5 पद 15, 16 और 17। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ऐसा न हो कि टाइम नहीं है कहकर आने वाले किसी दुख से अपने जीवन को दुखी कर लें। आने वाले आंधियों को देख जो चलता नहीं, आने वाले आंधियों को देख जो चलता नहीं, वो हयाते जिंदगी पाने कदम रखता नहीं, आने वाले आंधियों को देख जो चलता नहीं। सजाए हैं तसव्वुर वास्ते कल के लिए, जो सजाए हैं तसव्वुर वास्ते कल के लिए, मौत का पल कौन जाने वो कभी टलता नहीं, वो हयाते जिंदगी पाने कदम रखता नहीं, आने वाले आंधियों को देख जो चलता नहीं। छोड़ कर चलते बने जिंदगी की राह को, जो छोड़ कर चलते बने वक्त तो
मिलता नहीं। वो हयाते जिंदगी पाने कदम रखता नहीं। आने वाले आंधियों को देख जो चलता नहीं। आने वाली आंधियों को देख जो चलता नहीं, ये आवाज थी भाई नथानियल लाल की। इसके साथ ही हेलो मसीह वंदना का आज का सफर बस यहीं पूरा होता है। हमारी आशा है आप हमारे सोमवार से शनिवार तक सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम से आशीष पा रहे हैं। इन प्रोग्राम के विषय और अधिक जानने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप फोन पर संपर्क कर सकते हैं 931-947-3370 और हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। और हाँ, यदि आप मसीह वंदना का कोई गीत या अन्य रचना सुनना चाहें तो आप हमारे स्टूडियो के फोन पर संपर्क कर सकते हैं 9780727114 9780 727114। हेलो मसीह वंदना द गुड न्यूज ब्रॉडकास्टिंग सोसाइटी का साप्ताहिक प्रोग्राम है जो हर शनिवार को प्रस्तुत किया जाता है। और अब अपने रेडियो व मीडिया साथी अनिल धालीवाल को इजाजत दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। हेलो हेलो मसीह वंदना।